वेलकम टू हाउ टू कुक दैट। आज हम बनाएंगे ऑमलेट करी। ऑमलेट करी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच बटर। बटर हमारा पिघल गया है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने एक हरी मिर्च ली है, आप तीखेपन के हिसाब से एक या ज़्यादा ले सकते हो। इसको हल्के से फ्राई करिए, फिर आप इसमें डालिए अदरक और लहसुन का पेस्ट। पका के फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज कटा हुआ। आप मध्यम आकार का प्याज है तो आप दो बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और एक चौथाई स्पून हल्दी का। अच्छे से मिक्स करिए और धीमी आंच पर इसको पकने दें। हमारा प्याज जो है वो अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। हमारे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, पक गए हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले में मैंने लिया है दो चम्मच हरा धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला। इसे हम मसाले को मिक्स कर देंगे। दो मिनट के लिए इसको अच्छे से सेकेंगे। इसमें मसाले से पकी हुई खुशबू आ रही है, तो मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें दो टमाटर कटे हुए डालेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक के लिए ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। मसाला हमारा पक गया है अच्छे से, टमाटर भी बिल्कुल पक चुके हैं। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ले सकते हैं, पर ये चपाती के साथ है, थोड़ा कम ग्रेवी अच्छा रहता है, थोड़ी थिक गाढ़ी और हल्की ग्रेवी। मसाला हमारा रेडी हो गया, अब हम ऑमलेट बनाएंगे। ये 3 अंडे मैंने फेंट के लिए हैं। इसके अंदर अब हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि ऑलरेडी बहुत तीखा होगा। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से फेंट लें। ऑमलेट के लिए आप पैन में तेल डालें, चाहे तो आप बटर भी ले सकते हैं। अब आप इसमें ऊपर से हल्का सी काली मिर्च पेपर पाउडर को स्प्रिंकल कर दें। ऑमलेट रेडी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे, फिर इसको मसाले के साथ परोसेंगे। हम इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। हम अब 3 भाग में काट देंगे। अब हम ये ग्रेवी जो हमारा बना हुआ इसे लेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।